सब्जी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सब्जी के रेट क्या हैं? ग्राउंड जीरो से बता रहे मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी। देखिए की वजह से आम आदमी काफी ज्यादा परेशान हो गया है। त्योहारी सीजन है और ऊपर से कोरोना काल है, लेकिन सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं गाजियाबाद में नवयुग मार्केट इलाके में मौजूद हूं और ये थोक सब्जी मंडी है। यहां पर हम तमाम सब्जियों की बात करेंगे, प्याज की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हरी सब्जियां देख लीजिए जिनके दाम काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक हफ्ते की ही बात करें तो इनके दाम दोगुने हो चुके हैं। पहले शिमला मिर्च की बात कर लेते हैं जो 100 रुपए किलो मंडी में बिक रही है। आप सोचिए, आपके घर के पास वाली दुकान पर तो ये 120 रुपए किलो आपको मिलेगी। और गोभी के दाम भी आसमान छू रहे हैं, बैंगन भी इसी तरह से और भिंडी भी इसी तरह से मिल रही है। हम विक्रेता से कहेंगे कि थोड़ा आगे आएं और हमें अलग अलग जो दाम हैं वो बताएं ताकि हम इसके विषय में जान पाएं। गोभी कितने रुपए किलो मिल रही है? 60 रुपए किलो है सर। और तमाम सब्जियों के दाम बताइए कितने कितने रुपए किलो है? तमाम सब्जियों के भिंडी इसमें 40 रुपए किलो है, तोरी 40 रुपए किलो, बैंगन 30 रुपए किलो जी, और खीरा 40 रुपए किलो है जी, अरबी 30 रुपए किलो और लौकी 30 रुपए किलो है। जिस तरह से ये दाम बढ़े हैं पिछले एक हफ्ते में, हम देख रहे हैं कि लगभग डबल हो गए हैं, तो लोग ले पा रहे हैं सब्जी? आके पूछ कर चले जा रहे हैं? जहाँ आदमी 1 किलो ले रहा था वहाँ 250 ग्राम आधा किलो जी, ऐसी इस तरह दुकानदारी भी कम हो रही है जी, और जहाँ पर आदमी धड़ियों के हिसाब ले रहे थे वो भी कम हो गए जी। तो आप सुन सकते हैं कि दाम कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। अब प्याज की तरफ आपको लेकर चलते हैं क्योंकि इस समय प्याज जो है वो सबसे ज्यादा आंसू ला रहा है। लेकिन सामने देखिए, बात करते करते आलू आ गया। आलू के दाम 40 से 50 रुपए किलो तक क्वालिटी के हिसाब से बिक रहे हैं। आगे टमाटर की बात करेंगे, लेकिन पहले प्याज। इधर प्याज दिखा देते हैं आपको। प्याज के दाम थोक सब्जी मंडी में 80 रुपए किलो हैं। 80 रुपए किलो, जी हाँ 80 रुपए किलो, और ये एक हफ्ते के दौरान ही डबल हो चुके हैं। और ये बता रहे हैं जानकार कि नवरात्र के बाद दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि नवरात्र में प्याज की डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन नवरात्र के बाद जो है प्याज के दाम और बढ़ जाएंगे। अभी भी रिटेल में ये 100 रुपए किलो बिक रहा है। जानकार बता रहे हैं सर कि और दाम बढ़ सकते हैं प्याज की। यदि गवर्नमेंट ने जैसे बोल रहे हैं कि बाहर से प्याज मंगाई, अगर जो उन्होंने प्याज मंगा के पूर्ति कर दी तो प्याज महंगी नहीं होगी, अन्यथा अगर जो जिस तरह से किसान प्याज को रोके बैठे हैं और उन्होंने प्याज ना निकाली तो मार्केट में और करंट बन जाएगा जी। लोग आ रहे हैं, हम देख रहे थे कि पूछ के चले जा रहे हैं दाम। अब 50 रुपए किलो प्याज बिक रही थी एक हफ्ते पहले, आज 80 रुपए किलो, तो कहाँ से ग्राहक लेगा? ग्राहक परेशान है, 80 रुपए प्याज कैसे खाएगा? लॉकडाउन की वजह से पहले ही लोगों की जेब में पैसे नहीं है। दूसरा 80 रुपए किलो की ये, 50 रुपए किलो गोभी, 40 रुपए किलो आलू कहाँ से खाएगा? अगर दाम कम होते तो कब तक कम होने की उम्मीद मानी जाए? कम से कम 1 महीना लग जाएगा आलू प्याज। तो एक महीना अभी इंतजार करना होगा। मैंने टमाटर की भी बात की थी, प्याज की बात हो गई, टमाटर पर आ गए। ये जो लाल लाल टमाटर है, निश्चित है एक बार फिर से ज्यादा लाल हो गया है, लेकिन महंगाई का रंग उस पर चढ़ गया है। कितने रुपए किलो है टमाटर? 70 रुपए किलो, ये मंडी का दाम है। बाहर कितने रुपए बिक रहा होगा? बाहर कम से कम 80 रुपए किलो। तो आप सोचिए कि बाहर जो टमाटर है वो भी 80 रुपए किलो मिल रहा है, यानी कि जितने रुपए में, सीधे शब्दों में इसे समझें कि जितने रुपए में पूरे घर की सब्जी जो है वो आ जाया करती थी 2-2 किलो के हिसाब से करीब, लेकिन अब अगर आज के दाम की बात करें तो शायद आधा आधा किलो सब्जी लेंगे तब पहले जितना रेट अदा करना होगा। और यही वजह है कि लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दिवाली से पहले। एक तरफ कोरोना काल से आर्थिक संकट है और दूसरी तरफ सब्जियों की बढ़ती हुई ये महंगाई। कहीं ना कहीं महामारी से तो जरूर लोग बच रहे हैं, लेकिन ये महंगाई ऐसा लगता है कि मार ही डालेगी। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।